इस कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स अधिकृत विक्रेता में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे परेड रोड सागर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पुनः सत्ता की दहलीज तक पहुंचने की उम्मीद के सहारे उपचुनाव में जीत का दम भर रही कांग्रेस के लिए सुर्खी विधानसभा सीट पर खेला गया दल बदलू प्रत्याशी पारुल साहू पर दाव लगाना कहीं उसकी सेहत पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि इस सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी सहित कांग्रेस संगठन जरा भी गंभीर नहीं दिख रहा। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पोस्टल मतदान की प्रक्रिया के प्रथम चरण के मतदान शुरू हुए 2 दिन हो गए पर बूथ स्तर की जानकारी ही नहीं, जहां जिन बूथ के अंतर्गत यह मतदान हुए वहां कांग्रेस के एजेंट की अनुपस्थिति में ही वोटिंग हो गई। वह भी जब जयपुर के चुनाव मैच कम अंतर से दोनों के बीच जीत हार का फैसला हुआ था। ऐसे में सीट पर हवा हवाइयां तैयारियों के साथ ही जमीन पर कांग्रेस मैदान में दिख रही, जो उसकी जीत की उम्मीद की कसौटी पर सवाल खड़े कर रही है। सुर्खी के चुनावी रणक्षेत्र में जहां जीत सुनिश्चित हो, चुनावी मैनेजमेंट के मामले में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वही कांग्रेस इस मामले में दूर दूर तक मैदान में हवाई हवाई साबित हो रही है। कहने को तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता आज भी पार्टी को जीत मिले पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा मैदान में जुटा है, पर जो साथ की अपेक्षा और सम्मान उसे संगठन और प्रत्याशी से मिलना चाहिए वह उसमें खुद को अपेक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में उसके लिए मैदान पर कांग्रेस के लिए जीत की बुनियाद रखना एक कठिन चुनौती नजर आ रहा है। इस बात का अंदाजा सहज इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार चुनाव आयोग की गाइडलाइन में 80 वर्ष के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड से ग्रस्त मरीज बिना मतदान केंद्र पहुंचे मतदान कर सके उन्हें पोस्टल मतदान की सुविधा दी है, जिसके तहत सुर्खी में भी 1000 से ऊपर मतदाताओं ने इसका लाभ लिया है जिनकी वोटिंग के लिए प्रथम चरण का मतदान जारी है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे मतदाताओं का भी समर्थन कांग्रेस को मिल सके इसके लिए ना तो प्रत्याशी और ना संगठन ने कोई प्रयास किया और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को ऐसे मतदान की जानकारी भी नहीं दी गई, जो उसकी उदासीनता को साफ जाहिर कर रहा है। इतना ही नहीं, एक बड़ी भूल भी सामने आई है, जहां उपचुनाव के लिए जारी वचन पत्र से प्रत्याशी के फोटो के साथ जो वचन पत्र विधानसभा में बांटा जा रहा है उसमें भी विधानसभा क्षेत्र संख्या गलत अंकित की है, जो साफ साफ दर्शा रहा है कि किस तरह की तैयारियों के साथ इस सीट पर कांग्रेस जीत का दम भर रही है। वह भी जब सीधा मुकाबला सत्ता में काबिज लोगों से है, जहां एक एक मत हार जीत के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस प्रत्याशी और संगठन के चुनाव के लिए महज औपचारिकता की रस्म अदायगी का दौर चल रहा है, जिसको लेकर संगठन से जुड़ा जमीनी कार्यकर्ता भी हताश है, तो वहीं अटकलों का बाजार भी गर्म है, जहां इस बार प्रायोजित प्रत्याशी की बात जोर पकड़े हुए है। जनता कह रही है तो मैं आपके बीच में एक आश्वासन चाहता हूं आपसे, वो तो बिकाऊ माल था लेकिन आप कृपया करके टिकाऊ माल रहना। नहीं तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा अपने इस बिरादरी के गांवों के बीच।